देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी ये रखी गई, डबल इंजन तो एक फेडरल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन एक फेडरल स्टेट में जिस तरीके की अप्रोच हमारे चीफ मिनिस्टर ने रखी है कि बाहर जाकर के बाहर के स्टेट्स में बाहर के देशों में आप लोगों से बात करिए, और साथ ही साथ जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे प्रवासी कम्युनिटी एक लार्ज नंबर से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कलेक्टर्स के माध्यम से जो मीट ऑर्गेनाइज हो रही है और उसके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज फेनोमिनल। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अब तक हमारे करीब 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट्स के जो इन्वेस्टमेंट मीट्स हुई हैं, उनके अब तक 50,000 करोड़ से ज्यादा MOU साइन हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक जो बदलाव की ब्यार है वो आपको दिखाई देगी। और कहते हैं कि जेडो बाजे बायरो ओडी लीजे ओट, तो आज जो विकास की ब्यार जो राजस्थान की तरफ बह रही है, ये अब हर समझदार निवेशक इधर का रुख कर रहा है। राजस्थान वॉज अमंग द पायनियर स्टेट्स ऑफ द कंट्री जिसने अपने प्रवासियों के लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया था वर्ष 2000 में, जैसा आपको ध्यान हो उस समय गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, और उन्हीं के विजन का ये नतीजा था कि उसको फॉलो अप करने के लिए लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखने के लिए राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया गया था।